नमस्कार, आप देख रहे हैं नूपगढ़ ज्योति चैनल और मैं आपके साथ महेंद्र वर्मा। चुनावट से हमारे संवाददाता महेंद्र परवाना ने बताया कि चुनावट कोठी में डीटीओ कार्यालय शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। चुनावट की सिंचाई विभाग की कोठी परिसर में मंगलवार को डीटीओ दफ्तर शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए दिया धरना। इस धरने के संबंध में चुनावट तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा डीटीओ दफ्तर को चुनावट कोठी में स्वीकृत होने के बावजूद उसे राजनीतिक दबाव के चलते उसे वापस गंगानगर में शिफ्ट किया गया है, जो बिल्कुल निंदनीय कार्य है। जबकि नियमानुसार डीटीओ ऑफिस चुनावट कोठी में ही स्थापित होना चाहिए, क्योंकि सिंचाई विभाग ने 8 बीघा जमीन परिवहन विभाग के नाम रजिस्ट्री एवं इंतकाल भी दर्ज करवा दिया गया है। अगर चुनावट कोठी में डीटीओ कार्यालय शुरू किया जाता है तो दूर दराज के आमजन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार मंगलवार को धरने पर ग्रामीण सरपंच 3G अवतार साहब सिंह, 6G रणजीत सिंह, मक्खन सिंह 6G, छज्जरजीत सिंह, 10LL आकाश, मेहंदीरत्ता चुनावट रामकुमार सारण, दिलीप सारण, राजकुमार भंडारी चुनावट हरभजन सिंह, पालाराम शर्मा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने चुनावट कोठी में डीटीओ दफ्तर नहीं खोला गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। ठीक है, यहाँ धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि डीटीओ ऑफिस यहीं चुनावट कोठी में होना चाहिए, यहीं शुरू होना चाहिए। चुनावट कोठी में डीटीओ कार्यालय को लेकर यहाँ धरना दिया जा रहा है। अवतार सिंह जी, 3G सरपंच, आज किस वजह से धरना दिया जा रहा है? हम लोगों ने जो सभी मिले हैं यहाँ 6G से हैं, कोठी चुनावट से हैं जी, मिलके हमने डीटी ऑफिस के जो मुद्दा है हमारा, उसके लिए हमने यहाँ धरना लगाया जी। और यहाँ मौजूद 10LL के अक्षरजीत सिंह जी, आप भी धरने पर मौजूद हैं, तो क्या कहना है आपका? भाजी, ये डीटीओ दफ्तर के बारे में जहाँ आना चाहिए, कोठी चेंज नहीं होना चाहिए। काशमेंदी रत्ता जी, आप क्या कहेंगे? प्रशासन द्वारा झूठा आश्वासन देकर के पहले धरना उठाया गया, अब वापस पुनः यहाँ डीटीओ ऑफिस लाने के लिए धरना दिया गया है सभी ग्रामीणों द्वारा। प्रशासन से निवेदन है कि डीटीओ ऑफिस यहाँ पुनः स्थापित किया जाए। हाँ जी, राजकुमार भंडारी, आप भी यहाँ मौजूद हैं धरने पर, आपका क्या कहना है? जब सरकार ने डीटीओ ऑफिस यहाँ पास किया है तो क्या जनता को लड़ाने के लिए किया है? जब अपने यहाँ कोठी में 1.5-2 वर्ष लगातार सर्वे कर यहाँ जगह प्राप्त भी कर ली, यहाँ से जो ठेका मिलता था वो भी बंद हो जाएगा आज के बाद, जो 8.5-8.5 बीघे का ठेका मिलता था सरकार को, और उधर वो सरकार किराया भरेगी। जब यहाँ अच्छी भरी बढ़िया जगह मिल चुकी है तो ये जो छोटे बड़े नेता चमचागिरी करके मुख्यमंत्री की यहाँ से ये काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ये गलत है। जनता का नुकसान है, सरकार का नुकसान है। इस नुकसान को दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि यहाँ डीटीओ ऑफिस खुलना चाहिए। खुल गया था, फिर ये वापिस दबाव में गया है। जो जिनका भी दबाव है वो जनता के आगे टिक नहीं पाएगा। यानी चुनावट क्षेत्र के लोगों की मांग है कि डीटीओ ऑफिस यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चुनावट और प्रशासन को इस और गंभीरता से लेना चाहिए, यही शुरू करना चाहिए चुनावट कोठी में। हाँ बिल्कुल, यही शुरू करवा कर छोड़ेंगे, जनता के आगे सरकार को झुका के छोड़ेंगे।